आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पेट्रोल टीम पर बड़ा आतंकी हमला, सीआरपीएफ का एक जवान शहीद। सोपोर के मॉडल टाउन इलाके में हुए आतंकी हमले में 2 सीआरपीएफ जवान घायल भी हुए। आतंकी हमले में एक स्थानीय नागरिक की भी जान गई। सोपोर से सामने आई कलेजा चीर देने वाली तस्वीर। आतंकी मुठभेड़ के दौरान नाना की मौत के बाद शव पर बैठकर उन्हें उठाने की कोशिश करता दिखा मासूम। मुठभेड़ के दौरान बीच में आया नन्हा मासूम, जवानों ने उसे उठाया गोद में, बिस्किट देकर बहलाने की कोशिश। हम लेके जा रही है, जा रहे हैं। देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया। मामू के पास लेके जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों की आज आतंकवादियों से फिर मुठभेड़। बिलालाबाद इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की घेराबंदी की। बिलालाबाद में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की मिली थी खुफिया सूचना, सुरक्षा बल ने आतंकवादियों को घेरा। जम्मू कश्मीर में 48 घंटे में 4 आतंकी वारदात। कल बिजबेहरा इलाके में ढेर किए गए थे 2 आतंकवादी। इस साल जम्मू कश्मीर में कुल 118 आतंकी ढेर। राजौरी केरी इलाके में पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर, हथियार बरामद। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, लद्दाख में बढ़ा तनाव। चीन ने सीमा पर 2 डिवीजन की तैनाती की। उत्तरी लद्दाख के पास पाकिस्तान सेना की गतिविधियां तेज, करीब 20,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात। तिब्बत के आसपास और सिंजियांग इलाके में चीनी सैन्य अभ्यास पर भारत की नजर, 10,000 अतिरिक्त सैनिकों की है तैनाती। भारत को आशंका, चीनी सैनिक अभी पीछे नहीं हटना चाहते, अक्टूबर तक सरहद पर रह सकता है तनाव। भारत ने भी चीन के सामने बराबर सैनिकों की तैनाती कर दी है। लद्दाख में अतिरिक्त टैंक बख्तरबंद रेजिमेंट की तैनाती। गलवान घाटी PP-15 में चीन के सामने डटी भारतीय सेना। पैंगोंग सो फिंगर इलाके में भी चीन के बराबर सैनिकों की तैनाती। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान 2 फ्रंट पर लड़ने का देख रहा है मौका। करीब 100 पाकिस्तानी आतंकवादियों की घाटी में घुसपैठ। गलवान घाटी के मुद्दे पर चीन का रियल रुख, कमांडर स्तर की 3 वार्ता में नहीं बनी बात। सरहद पर डटे हैं भारत के जाबाज। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना ने आतंकी संगठन अल बदर से मिलाया हाथ। जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने की रच रही साजिश। चीन के कई और मोबाइल ऐप पर देश में लग सकती है पाबंदी। सोमवार को केंद्र सरकार ने 59 चीनी ऐप बैन किए। चीनी ऐप पर बैन को लेकर दिल्ली में चीनी दूतावास ने जताया आपत्ति। WTO नियमों का दिया हवाला। 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है बधाई। पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो, कहा डॉक्टरों को सलाम, कोरोना संकट में उनकी जंग अगले मोर्चे पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर्स को दी बधाई, सेवा और त्याग के लिए पूरे देश की तरफ से सलाम। दिल्ली में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने लॉन्च किया कोपल ऐप। प्लाज्मा डोनेट करने वाले और जरूरतमंद मरीजों की मिलेगी जानकारी। प्रयागराज में युवा कलाकारों ने रेत पर कलाकारी के जरिए डॉक्टरों को किया सैल्यूट, बताया धरती का भगवान। राहुल गांधी ने देश विदेश के कोरोना वॉरियर से किया संवाद। नर्सिंग से जुड़े लोगों का जाना दर्द, दिल्ली में टेस्टिंग का भी उठाया मुद्दा। But I'm going hard and early was really the right thing, and that really flattened the curve in New Zealand. You mentioned. कोरोना काल में आंध्र प्रदेश के सीएम ने दी एम्बुलेंस गाड़ियों की सौगात। राज्य को मिली 1088 नई एम्बुलेंस। सीएम जगनमोहन ने विजयवाड़ा से रवाना के सभी 1088 एम्बुलेंस गाड़ियां। ये सभी गाड़ियां 108 और 104 एम्बुलेंस सेवा से जुड़ी हुई हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजीव यादव की कोरोना से मौत। 2 बार दी गई थी प्लाज्मा थेरेपी। स्वामी रामदेव का बड़ा ऐलान। आयुष मंत्रालय की को दी है पूरी जानकारी। अब बिना किसी कानूनी बाधा के पूरे देश में मिलेगी कोरोनिल दवाई। कोरोनिल दवा विवाद को लेकर स्वामी रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, मेरे साथ राष्ट्रद्रोही जैसा व्यवहार, मैंने नहीं किया कोई गुनाह। मानो योग आयुर्वेद का काम करना एक गुनाह। ऐसे लगता है कि
हिंदुस्तान के अंदर मानो योग आयुर्वेद का काम करना एक गुनाह हो। बाबा रामदेव ने कहा, हमने अपने ट्रायल का पूरा आंकड़ा आयुष मंत्रालय को सौंप दिया है, मॉडर्न मेडिकल साइंस के मुताबिक किया था ट्रायल। सामान्य जमींदार के घर में पैदा होकर के एक सामान्य परिवार में पैदा होकर के पूज्य आचार्य भाषण जी वहीं देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड मौत, 507 लोगों की गई जान। देशभर में 24 घंटे में कोरोना 18,653 मरीज बढ़ गए हैं। 24 घंटे में देश में कुल केस कोरोना के हुए 5,85,493। गोवा में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, बीजेपी का एक विधायक संक्रमित। कोरोना के खतरे के चलते हरियाणा में ग्राम पंचायत चुनाव टाले गए, अगले साल जनवरी फरवरी में कराए जा सकते हैं चुनाव। असम में कोरोना पीड़ितों की संख्या में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा, बीते 24 घंटे में 613 नए केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 4,878 नए मरीज, 1,75,000 के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में कुल 87,360 कोरोना के केस, दिल्ली में कोरोना से अब तक 2,742 लोगों की मौत हुई। भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन को DCGI की मंजूरी, जुलाई में शुरू होंगे ह्यूमन ट्रायल। बेंगलुरु में इलाज के बिना एक शख्स की मौत, 18 अस्पतालों ने लौटाया, नहीं मिला इलाज। पीड़ित को सांस लेने में तकलीफ थी, एक अस्पताल के आगे ही टूट गई सांसों की डोर। बिहार में शादी में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखना पड़ा भारी, कोरोना से दूल्हे की मौत, शादी में शामिल कई लोग भी संक्रमित। इंदौर में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 45 नए मरीज, 74% से ज्यादा है जिले का रिकवरी रेट। गुजरात में 32,557 कोरोना के केस, राज्य में अब तक 1,846 कोरोना से मौत का आंकड़ा। यूपी में अब तक 23,492 कोरोना के केस, यूपी में कोरोना से अब तक 697 लोगों की जान गई। राजस्थान में कोरोना के मामले 18,000 के पार पहुंचा, बीते 24 घंटे में 354 नए केस आए हैं सामने। देश में आज से अनलॉक 2 जारी, 31 जुलाई तक मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल और जिम रहेंगे बंद। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री ने दी एहतियात बरतने की नसीहत, बोले पहले सतर्क थे और अनलॉक में ज्यादा सतर्कता की अब है जरूरत। कोरोना को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर किया पलटवार, कहा बिना सोचे समझे किए लॉकडाउन का मकसद पूरा हुआ या नहीं। बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर किए तबादले, उद्योग, परिवहन और शिक्षा समेत कई विभागों में इधर से उधर भेजे गए अधिकारी। नवंबर तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त में राशन, 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। पंढरपुर पहुंचे सीएम उद्धव ठाकरे, हरिबा विठल रुक्माई के चरणों में झुकाया शीश। कोरोना काल में मुंबई में इस साल नहीं मनाया जाएगा लालबाग के राजा का उत्सव, श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से बढ़ती जा रही है सावधानी। लालबाग चाराजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के मुताबिक इस बार बप्पा की मूर्ति स्थापना के बजाय ब्लड और प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगेगा। यूपी के इटावा में टिड्डी दल पर केमिकल अटैक, दमकल कर्मियों ने किया 50% टिड्डियों का खात्मा, 125 बीघा में फैले आम के बाग में बनाया था डेरा। राजस्थान के करौली में दबंगों का कहर, जमीनी विवाद में एक विधवा महिला, उसकी बेटियों के साथ मारपीट की गई, वीडियो हुआ वायरल। अनलॉक टू में बिहार ने लागू की केंद्र की गाइडलाइंस, फेस कवर को किया अनिवार्य, उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान। अनलॉक टू में उत्तराखंड में श्रद्धालुओं को मिली सौगात, आज से शुरू हुई बद्रीनाथ की यात्रा। बद्रीनाथ के श्रद्धालुओं को सैनिटाइजर से हाथ साफ करने और मास्क के बाद ही मंदिर में करने दिया जा रहा है प्रवेश। कोलकाता में आज खोला गया कालीघाट मंदिर, लॉकडाउन के दौरान किया गया था बंद। नौसेना का रेस्क्यू मिशन ऑपरेशन समुद्र सेतु जारी, ईरान के अब्बास बंदरगाह से 687 भारतीयों को लेकर तूतीकोरिन पहुंचा INS का जलाश्व। कोलकाता में चाय पर चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष से बसलों की टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। हंगामा करने वालों ने दिलीप घोष की गाड़ी में तोड़फोड़ की, बैक
व्यू मिरर तोड़ दिए गए, बीजेपी के पोस्टर बैनर भी फाड़े गए। यूपी के देवरिया में एसओ भटनी भीष्मपाल सिंह यादव की एक महिला के सामने अश्लील हरकत हुई वायरल, केस हुआ दर्ज। यूपी के हमीरपुर में चार प्रवासी मजदूरों पर 10 लाख के जेवरात की लूट का आरोप। उज्जैन की सब्जी मंडी में कई दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। तमिलनाडु के कुड्डाल रोल में बड़ा हादसा, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन में बॉयलर ब्लास्ट, हादसे में 5 लोगों की मौत, 17 लोग घायल। रोहतक के सांपला में ढाबे पर एक रसोइये ने दूसरे रसोइये की हत्या की, आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। जामताड़ा में डायन बताकर बुजुर्ग महिला की हत्या, पत्थर से कुचलकर मार दिया गया। वाराणसी में बढ़ा गंगा का जलस्तर, नगर निगम ने की सैलाब से निपटने की तैयारी। दौसा में एक बार फिर से टिड्डी दल का हमला, कालीपाड़ी सिंहपुरा धर्मपुरा गांवों में टिड्डियों ने डाला डेरा।